हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे वास्तु चिकित्सा के बारे में। वास्तु को वात दोषों की श्रेष्ठ चिकित्सा कहा जाता है। वास्तु पंचकर्मा का थर्ड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट था वमन, सेकंड विरेचन, इनके बारे में मैं पहले वीडियोस में बता चुकी हूँ। तो आज मैं आपको वास्तु के बारे में बताऊँगी। सबसे पहले जानते हैं वास्तु के मार्ग के बारे में। वास्तु कहाँ से दी जाती है? तो वास्तु दी जा सकती है एनल मार्ग से, गुदा के थ्रू। दूसरी वास्तु दी जाती है मूत्र मार्ग के थ्रू। और तीसरी वास्तु स्त्रियों में दी जाती है योनि मार्ग के थ्रू, जिसको उत्तर वास्तु बोलते हैं। तो यहाँ हम पंचकर्मा में जो गुदा मार्ग के थ्रू वास्तु दी जाती है उनका प्रयोग करते हैं। तो आज हम इन्हीं वास्तु के बारे में बात करेंगे। जो वास्तु गुदा मार्ग के थ्रू दी जाती है वो तीन तरह की होती है। काढ़ा वास्तु, इसको हम आस्थापन वास्तु बोलते हैं या निरुवस्थि बोलते हैं, इसमें काढ़ा दिया जाता है। दूसरा होता है स्नेह वस्ति, जिसमें हम स्नेह यानी कि ऑयल या घी का यूज़ करते हैं। तीसरा होता है मात्रा वस्ति, इसमें भी स्नेह यानी कि घी या तेल का यूज़ किया जाता है, लेकिन इसकी मात्रा बहुत कम होती है, इसको डेली भी लिया जा सकता है। पंचकर्मा के अंदर आस्थापन और स्नेह वस्ति को ऑल्टरनेट वे में दिया जाता है। जैसे पहले दिन स्नेह वस्ति, फिर आस्थापन वस्ति, फिर स्नेह वस्ति। इसकी जो संख्या होती है वो 8, 15 और 30 तक भी हो सकती है। विरेचन के बाद वस्ति लेना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि विरेचन के बाद इंटेस्टाइन वीक हो जाती है, उसमें वायु भर जाती है। तो वायु को बैलेंस करने के लिए, इंटेस्टाइन को बल देने के लिए वस्ति लेना बहुत ज़रूरी होता है। इसमें जो घी और तेल या काढ़े यूज़ किए जाते हैं वो सब मेडिकेटेड होते हैं। पेशेंट टू पेशेंट वेरी करते हैं। जिस पेशेंट को जिस जो प्रॉब्लम होती है, जो दोष भरा रहता है, उसके लिए उसी के अकॉर्डिंग वो काढ़े प्रिपेयर करे जाते हैं। इसमें प्री प्रिपेयर्ड काढ़े बिल्कुल भी यूज़ नहीं किए जाते। वस्ति के बारे में लोगों को बहुत सारे डाउट होते हैं, जैसे कि कुछ लोग पूछते हैं कि वस्ति लेने से पेन तो नहीं होगा। तो वस्ति कम्प्लीटली पेनलेस प्रोसेस है, इसमें किसी भी तरह का कोई भी दर्द नहीं होता। वस्ति में रबर कैथेटर का यूज़ किया जाता है, जिसको एनल एरिया से धीरे धीरे इंसर्ट करते हैं, और उसी रबर कैथेटर के थ्रू ऑयल या काढ़ा जो भी देना होता है वो स्लोली इंसर्ट किया जाता है। इससे कोई भी इन्फेक्शन नहीं हो सकता, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो अगर आप वस्ति लेना चाहते हैं तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, या अपने आसपास के किसी भी पंचकर्मा सेंटर पर आप डॉक्टर से कंसल्ट करके वस्ति ले सकते हैं। वस्ति जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन होता है उनके लिए बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। उन लोगों को, जिन लोगों को लगातार मेडिसिन लेनी पड़ती है कॉन्स्टिपेशन के लिए, उन लोगों को पंचकर्मा या वस्ति कराने से भी बहुत आराम मिलता है। या जिन लोगों को IBS की प्रॉब्लम होती है, जिन लोगों को इंटेस्टाइन में इन्फ्लेमेशन रहती है, उनको दिन में कई बार मोशन जाना पड़ता है, उन लोगों को भी वस्ति से बहुत आराम मिलता है। या जिन लोगों को वात दोष की प्रॉब्लम रहती है, जॉइंट्स पेन रहते हैं, बैक पेन रहता है, या पैरालिसिस के पेशेंट्स हैं, या नी आर्थराइटिस के पेशेंट हैं, उन लोगों में भी वस्ति से बहुत अच्छे रिजल्ट हमें देखने को मिलते हैं। तो वस्ति लेने से कोई डर नहीं होता है, वस्ति लीजिए। वस्ति से बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है और बहुत स्पीडली इम्प्रूवमेंट मिलते हैं। तो अगर आप वस्ति लेना चाहते हो तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो, या आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हो। थैंक यू सो मच।